हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी नेटवर्क प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है पोको का फ़ोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना होगा। एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखेगा। एंड तो सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको कनेक्शन शेयरिंग का ऑप्शन भी जाना होगा। और इसके बाद आपको ऊपर से स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ दिख जाता है एक ये वाला ऑप्शन। एंड और ऊपर से स्क्रॉल करेंगे ये रहा रीसेट वाईफाई एंड मोबाइल ब्लूटूथ नेटवर्क। आप इस पर क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद आपको रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देना एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका जो है नेटवर्क रीसेट हो जाएगा एंड इधर नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग है बिन रीसेट, यानी कि आपका पूरा नेटवर्क जो सेटिंग है वो रीसेट हो चुका है। जब आप नेटवर्क रीसेटिंग रीसेट कर देते हैं जो आपका वाईफाई प्रॉब्लम हो या फिर ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है और इसमें बस वो डिसकनेक्ट हो जाती है सभी चीज़ें। तो आप दोबारा कनेक्ट करेंगे तो सही चलेगा, एकदम फास्ट हो अभी। तो गाइस, और इस तरीके से आप अपने फ़ोन नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको तब भी नहीं होता है तो आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करके रखेंगे या फ़ोन को रीस्टार्ट कर देंगे तो रीस्टार्ट करने से ही आपको जो है सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। और गाइस, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। गाइस, वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।